जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी। बिल्कुल दोस्तों, अब आप सभी के लिए बड़ी और अच्छी खबर आ चुकी है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे, अभी अभी एक और दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि यहां पर आप देख लीजिएगा, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 पद, साथ ही फायरमैन के 172 पदों पर सीधी भर्ती से रिलेटेड। और जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऑफिशियली साइट है, किसी प्रकार की फेक न्यूज नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी के लिए अच्छी खबर, आप सभी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के 26,210 पदों पर, साथ ही फायरमैन के 172 पदों की भर्ती को लेकर एक नोटिस है, वो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ऑफिशियली साइड है, रिक्रूटमेंट सेल की साइड है यूपी पुलिस की, उस पे अपलोड कर दिया गया है। मतलब दोस्तों, अब आपको घबराने और चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सभी के लिए एक बड़ा रिक्रूटमेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल का आने जा रहा है। और दोस्तों, ये नोटिस किस लिए, मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताऊंगा, किस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा गया, कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, कब तक आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, एज क्रिटेरिया में क्या आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या क्या चीजें इस नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, तो इसको लेकर मैं पूरी जानकारी आपको लाइव बताने वाला हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो दोस्तों, बात करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं। तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी को मंजूरी तो मिल ही चुकी है, ऐसे में अब आप पढ़ाई में लग जाइएगा, तैयारी में जुट जाइएगा। और आप सभी के लिए चाक्सू पब्लिकेशन की तरफ से काफी अच्छी प्रैक्टिस वर्कबुक और गाइड आ चुकी है, इसी से आपको तैयारी करनी है अगर फाइनली आपको सिलेक्शन लेना है तो। दोस्तों, इस बुक की खासियत क्या है, इसमें आपको 8 सोलवर्ड पेपर मिलेंगे, साथ ही 2018 से 2019 की यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी पेपर पूछे गए, सभी पेपर सोल्यूशन के साथ में, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही 300 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन और 10 आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले। दोस्तों, ये बुक आप मार्केट से भी खरीदना चाहते हैं, अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑफिशियली साइड है और ये नोटिस है। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। जैसे ही दोस्तों इस लिंक जो नोटिस पे क्लिक करते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, ओपन कर लेते हैं। हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है और आज ही का नोटिस। सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूं, 7 जनवरी 2022 का नोटिस है। वैकेंसी की बात करें तो 26,210 पद आपकी होगी, जो कि पुलिस कांस्टेबल के होंगे, साथ ही फायरमैन के 172 पदों पर आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट है, ये टेंडर जारी कर दिया गया है, मतलब आपकी वैकेंसी, आपकी भर्ती अब जल्दी आने वाली है। इन्होंने कहा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210, फायरमैन के 172 पदों की सीधी भर्ती 2021 को भरे जाने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम कार्यदाता संस्थाओं से दिनांक 27 जनवरी 2022 को समय 12:30 बजे तक अपनी निविदाएं बोर्ड में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। वही उक्त भर्ती की ऑफलाइन लिखित परीक्षा, मतलब आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, ओमआर बेस्ड होगी, और उसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया। मतलब अब साफ हो चुका है कि अब नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा और यह भर्ती अब आचार संहिता में नहीं फंसने वाली है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, एज क्रिटेरिया कितना होना चाहिए, हाइट कितनी होगी, साथ ही कितनी एज से लेकर कितनी एज वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे, सिलेबस क्या होगा, पूरी जानकारी आप डिटेल से देख सकते हैं। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही ये नोटिफिकेशन आप पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर यह नोटिफिकेशन भी मैं डाल दूंगा, जहां जाके आप पूरी डिटेल से चेक कर पाएंगे। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।